बातें, मैं हूँ असलम खान। मुरादाबाद में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं मुरादाबाद जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और तीसरे चरण के पंचायत चुनाव की वोटिंग 26 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच होगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत से क्या मुद्दे लेकर इस फील्ड में उतरे हो आप? मुद्दे ये लेकर उतरा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे गांव की सड़कें, आप भी गांव से निकले हो, सारी नालियाँ टूटी हैं, पानी की कहीं निकास नहीं है और बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पानी का निकास सबसे मेन मुद्दा है। ऐसा नहीं, हमारी ग्राम पंचायत में तीन गाँव पड़ते हैं, तीनों गाँव में सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है वो पानी का ही है। शमशान घाट की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है रोंडा चौराहे के पास में। चकबंदी हो गया, ठीक है, चकबंदी नहीं हुई हमारे यहाँ। सामूहिक शौचालय का हमारे यहाँ कोई प्रबंध नहीं है, पंचायत घर हमारे यहाँ नहीं है। और जो भी है अच्छी व्यवस्था के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार के अनुशासन का पालन करेंगे। जो बिचौलिए होते हैं, कुछ बिचौलिए होते हैं, कुछ प्रधानी ऐसे होते हैं जो नहीं पहुँचा पाते सरकार तक, कुछ उन्हें जानकारी नहीं होती। और होता क्या है कि ज़्यादातर जो प्रधान बनते हैं हमारे समाज से वो अनपढ़ ज़्यादा दे रहे हैं। सर, हम भी यही चाहेंगे कि सरकार इस चीज़ को लागू करे कि कम से कम योग्यता इंटर तो होनी चाहिए। गांव की जनता से मैं यही अपील करूँगा, आगे विकास के लिए हमारे चुनाव चिन्ह गले के हार पे मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। जो पिछले प्रधानों ने कमियाँ करी हैं वो कमियाँ इस बार नहीं होंगी। हम सिर्फ चुनाव पैसे के लिए नहीं, हम सिर्फ मान सम्मान और विकास के लिए लड़ेंगे। जो हमारा गाँव बिछड़ा हुआ है वो बिछड़ों में ना आए।